हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। अगर आप भी हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट और प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ग्रुप ए की पोस्ट आई हुई है जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की है, जिसमें 200 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। अब हम बात करते हैं आपके लिए आई हुई पोस्ट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए के 200 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें से जितना भी कैटेगरीज है उसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है जो कि पंजाब डोमिसाइल से बिलोंग करती हैं। आपको इनिशियल पे 44,900 रुपीज दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आप आईसीआर यूनिवर्सिटी से एक्रेडिटेड नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी मास्टर्स एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से करके रखी है तो उसे बीएससी के कंपेयर टू प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आपकी एटलीस्ट मैट्रिक जो है या फिर इसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड आपका पंजाबी में पास होना चाहिए। आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 29 दिसंबर 2022 से पहले कंप्लीट कर लेनी है। एज आपकी एज 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी एज 37 ईयर से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। तो आपके सिलेक्शन टू फेजेस में होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट फेज में आपका रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स को कैरी करेगा, यानी टोटल आपके 480 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल 540 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे। ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स को कैरी करेगा। आपका टोटल 400 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। एंड 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। उसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। कंपाइल करके आपका 480 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 1 मार्क्स की माइनस मार्किंग होगी। आपको आपका एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर दिए जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन सीवीटी बेस्ड ना होकर पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, जिसमें आपको ओएमआर सीट को फिलअप करना होगा। इंटरव्यू में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के 2 टाइम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम 40% मार्क्स को स्कोर किया है। लेकिन पंजाब के बैकवर्ड क्लासेस एंड एससी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 35% भी स्कोर करते हैं तो उनको भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी 9 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 बाय 11:59 PM तक फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन PWD लीनियन डिस्टेंटेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन चार्जेस देने हैं 500 रुपीज़। आपको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी को पे नहीं करना है, यानी आपको टोटल 500 रुपीज़ अपनी एप्लीकेशन फ़ी को पे करना होगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पंजाब स्टेट ओनली, तो आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देनी है एंड एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपीज़ देनी है। आपको टोटल 750 रुपीज़ पे करने होंगे। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी एंड 1000 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी देनी होगी। टोटल आपको 1500 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।